देश में तीन तलाक के बाद काफी मुस्लिम महिलाएं परेशान और डरी हुई थीं। उनके दर्द को समझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर कानून बनाया जिससे उन्हें इंसाफ मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए कानून से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिल रहा है? ऐसा ही एक मामला नवादा जिले से सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम महिला राबिया खातून, जिसका निकाह मोहम्मद सज्जाद से हुई थी, लेकिन उनके शौहर ने राबिया खातून को छोड़कर दूसरा निकाह कर लिया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद सज्जाद ने अपनी पहली पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया था। इसके बाद राबिया खातून ने कौवाकोल थाने में अपने शौहर के खिलाफ आवेदन दिया, लेकिन कौवाकोल थाने ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही राबिया खातून ने नवादा एसपी से आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अगर प्रशासन ही आम लोगों की मदद नहीं करता है तो आम आदमी किससे उम्मीद लगाए? मामला ये है कि मेरे शौहर दूसरे शादी कर लिए हैं, अब कुछ लेन देन के बारे में कुछ ऐसा बात नहीं कर रहा। कौवाकोल थाना भी गए हैं तो वो बोलता है कौवाकोल थाने वाला, हम क्या करें, शादी कर लिया तो। अभी आप किसके पास हैं? एसपी के पास हम आए, एसपी के अभी पास एप्लीकेशन नहीं दिए, लेकर देने वाले हैं। नवादा से रामजी प्रसाद के साथ उज्मा शाहीन की रिपोर्ट, एटीएन लाइव इंडिया।